नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे ई कल्याण स्कॉलरशिप का। झारखंड का पोर्टल से जो लोग भी स्कॉलरशिप का ऑनलाइन फॉर्म करते हैं, उन लोग अभी तक नहीं किए हैं, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आज जो है लास्ट डेट है झारखंड स्कॉलरशिप का। आप देख पा रहे होंगे ई कल्याण के ऑफिशियल पोर्टल पर मैं साइट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर देख रहे होंगे आप पोस्ट मैट्रिक फ्रेश एंड रिन्यूअल एप्लीकेशन 2020-21 विथ इन स्टेट एंड आउटसाइड स्टेट, यानी कि जो राज्य से बाहर पढ़ाई करते हैं और जो राज्य के अंदर पढ़ाई करते हैं और स्कॉलरशिप का अप्लाई करते हैं उन लोग के लिए यहाँ पे देख रहे होंगे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है। और इसका लास्ट डेट नीचे में लिखा हुआ है रेड कलर में, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर सबमिशन 25 जनवरी, यानी कि 25 जनवरी तक ही आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट 25 जनवरी है। हालांकि 15 जनवरी था पहले जब शुरुआत किया गया था, तो लेकिन इसको 10 दिन बढ़ा दिया गया था, 25 तक कर दिया गया था, यानी कि आज लास्ट डेट है इसका 25 जनवरी तक। अगर इसका स्कॉलरशिप का फॉर्म जो लोग नहीं भरे होंगे आज किसी भी हाल में भर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका डेट जो है बहुत कम ही अब शायद उम्मीद है कि बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि बढ़ नहीं सकता है, लेकिन और सालों की अपेक्षा इस वर्ष मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि कम आपको टाइम मिलेगा स्कॉलरशिप के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। क्योंकि पहले क्या होता था कि स्कॉलरशिप इस वर्ष काफ़ी लेट से स्टार्ट हुई है, जनवरी में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो आप समझ ही रहे होंगे कि काफ़ी लेट से स्टार्ट हुई है झारखंड में, तो इसलिए टाइम आपको नहीं मिलेगा। इससे पहले क्या होता था कि जनवरी तक स्टार्ट हुआ है, लेकिन जनवरी तक फाइनल अप्रूव बहुत सारे लोगों को मिल जाता था, बहुत लोगों को पैसा भी आ जाता था, लेकिन इस वर्ष तो ऑनलाइन ही हुई है, इसलिए चांस काफ़ी लेट से स्कॉलरशिप का काम हो रहा है झारखंड में, तो इसलिए थोड़ा कम समय मिलेगा। जो लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा उन लोग अपना स्कॉलरशिप में, मान लीजिए किसी को जाति निवास आए अभी तक नहीं बना है, वो लोग ऑनलाइन वाला स्लिप ही लगा देंगे अभी, बाद में उनको बाद में उन लोगों को सुधार करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तभी नहीं है तो आप लगा दीजिए, जब आपको एडिट करने का मौका मिल जाएगा, जब आपको पेंडिंग ऐसे पेंडिंग में कर देगा तो आपको एडिट करने का मौका मिल जाएगा, उस समय आप डाल करके अपना स्कॉलरशिप को सबमिट फिर से कर दीजिए और आपका स्कॉलरशिप अप्रूव हो जाएगा और स्कॉलरशिप का आपको मिलने का चांसेस रहेगा। आप ध्यान देंगे स्कॉलरशिप में जो भी आप ऑनलाइन जो है इनकम सर्टिफिकेट लगाएंगे, ठीक है, आय प्रमाण पत्र, वो आपका 1 अप्रैल 2020 से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1 अप्रैल 2020 से पहले का आपका नहीं होना चाहिए। वही आप आय अपना ऑनलाइन करेंगे, अप्लाई में लगाएंगे, नहीं तो 1 अप्रैल 2020 से पहले का कर्ज आपका होगा, पुराना होगा इनकम सर्टिफिकेट, तो आपका काम नहीं करेगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका पैसा नहीं आएगा, ठीक है। और जो भी आधार लिंक अपना बैंक अकाउंट स्कॉलरशिप में जो अपना देंगे, जो आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड के साथ लिंक होगा, वही आपके अकाउंट नंबर में आप स्कॉलरशिप के साथ लगाएंगे, नहीं तो आपको स्कॉलरशिप का पैसा जो है वो नहीं मिल सकता है। आशा करता हूँ मेरे कैसे वो अच्छे लगे चलेगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। झारखंड स्कॉलरशिप को लेकर के कोई भी मन में सवाल सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ताकि हम आपको जवाब दे सकेंगे, और किस क्या समस्या है वो भी आप हमें समस्या अपना बताएंगे, ताकि हम आपको कमेंट में आपको हेल्प कर देंगे। स्कॉलरशिप रिलेटिव कोई भी अपडेट आएगा, जानकारी आएगा, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से आप तक देने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। झारखंड स्कॉलरशिप के रिलेटिव हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं।